chapter 7, spatial name. Before I start, I want to do a small revision what we have learned in the last lecture. As you know that we have learned names of person, places, birds, animals and things. Okay, so everything which you can see around you is a noun. Okay, so here we are going to discuss about some special name. Special means kuch khas. Okay, so special means kuch khas. To yahan pe hum padhte hain aage kya karenge hum. Okay, let us see. You can see on the board I have drawn three pictures. Boy, girl and this cat. So look at the sentence which I have written on the board. So Ramesh is a boy. Ramesh is a boy. This boy name is Ramesh. Then Geeta is a girl. This girl name is Geeta. Kitty is the pet cat of Geeta. Ye kaun hai? Cat hai. Kyunki Kitty is the name hai and Kitty is the pet cat of Geeta. Ye Geeta ki pet cat hai. Geeta ne isko apne ghar pe rakha hai aur uska naam kya rakha hai? Kitty. Yes. So in these three sentences you can see I have written in the red color. Ramesh, Geeta and Kitty. These all are the names, special names of the person and animal. So you are also having name, I am also having name and so many things around us are different special names. So today we are going to learn about what are called special names. आज हम पढ़ेंगे special name हम किसे कहते हैं. Okay, so you can see कि this is a boy. Okay, ये boy है. So boy तो बहुत सारे होते हैं. Boy तो बहुत सारे होते हैं. आपके class में अब जब class में होते हैं तो class में सभी boy होते हैं. So they are having different names. है ना? कि सबका एक जैसा name होता है? एक जैसा तो नहीं होता है ना? सबका different name होता है. So that is called a special name. Every child or we can say every girl, every boy is having special name. कोई भी boy हो या girl हो, तो उसे हम एक boy यहाँ पे आओ, ऐसे नहीं बोले, उसका name है. So आपके class में बहुत सारे teachers पढ़ाने आते हैं, लेकिन सबके अलग अलग name हैं. जैसे मैं हूँ, मेरा नाम विशाखा है. फिर आपके ELV के madam है, उसका नाम प्रीति ma'am है, है ना? तो सभी टीचर्स के अलग अलग नेम्स होते हैं, तो वो नेम जो होता है उसको हम कहते हैं स्पेशल नेम. और वी कैन से प्रॉपर नाउन, और वी कैन से प्रॉपर नाउन, उसे हम प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं और स्पेशल नेम भी कह सकते हैं. सो यू कैन से कि हियर वी कैन से सो मेनी गर्ल्स अराउंड अस, सो दे आर हैविंग सेम नेम. यस और नो? नो, ऑब्वियसली दे आर हैविंग डिफरेंट नेम. सो दैट डिफरेंट The different has name of special. So आपके मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छे अच्छे names रखे हैं, फिर आपके मम्मी पापा को आप मम्मी पापा बुलाते हैं, लेकिन उनका भी name है ना, तो उनका name है, वो name को हम special कहते हैं. उसी तरह यहाँ पे kitty है, तो kitty कौन है? Cat. तो cat तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये cat जो है वो गीता की है, और गीता ने उसका नाम क्या रखा है? Kitty. तो kitty क्या हो गया? Special नेम. किटी क्या हो गया? स्पेशल नेम. सो लाइक दैट वी कैन यू आर स्टडिंग इन स्कूल. सो इन राजकोट डिफरेंट स्कूल्स आर देयर, सो मेनी स्कूल्स आर देयर, बट व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? तपस्वी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? तपस्वी स्कूल. सो तपस्वी इज अ स्पेशल नेम. उसी तरह आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना? तो सब्जेक्ट्स के भी नाम है, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, ईएनवी, हिंदी, गुजराती. सो ये क्या हो गए? स्पेशल नेम. उसी तरह प्लेसेस. तो आप सभी प्लेसेस में जाते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जाते हो, पार्क में जाते हो, मॉल में जाते हो, है ना? तो कोई भी मार्केट या शॉप में जाते हो, कोई भी शॉप में जाते हो, कोई भी स्ट्रीट में जाते हो, तो आप जो भी स्ट्रीट में रहते हो तो आपको पता होगा कि वो स्ट्रीट का नेम है ना? कि वैसे लिखते राजकोट, नहीं, राजकोट में कौन से आपके स्ट्रीट का नेम क्या है, वैसे ही सब पूछेंगे. तो दैट नेम इज अ
स्पेशल नेम। बहुत कोई तो अभी मोस्ट प्रोबेबली सब अपने घर का भी नेम लिखते हैं ना, आपके घर का भी नेम है, मेरे घर का भी नेम है, बहुत सभी के घर का कुछ ना कुछ नेम होता है। उसी तरह आप जो एरिया में रहते हो वो एरिया का भी नाम होता है। जैसे अभी हम मैं बता रही हूँ कि वी आर लिविंग इन अ सिटी, विच सिटी, इफ आई विल टॉक विच सिटी, कौन से सिटी में रहते हैं, हमारा सिटी का नेम क्या है, तो आई विल से राजकोट। तो उसी तरह बहुत सारी सिटीज है, कौन सा देखो, अहमदाबाद है, जामनगर है, जूनागढ़ है, अमरेली है, ओके, बॉम्बे, तो ये सब क्या है, दैट इज अ स्पेशल नेम ऑफ द सिटी, ये सब सिटी के स्पेशल नेम हो गए। उसी तरह आपको पता है, एक और बात बोलो, आपको चॉकलेट्स पसंद है ना, तो चॉकलेट्स में भी बहुत सारे अलग अलग नेम्स के चॉकलेट्स आते हैं। कि आप चॉकलेट बोल दो तो आप डेरी मिल्क भी खाते हो, पर्क भी खाते हो, फाइव स्टार भी खाते हो, किटकैट भी खाते हो, है ना। सो ये सब क्या हो गए, स्पेशल नेम, दे आर स्पेशल नेम। सो हियर यू कैन सी आई हैव मेड अ बॉक्स, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इसमें यहाँ पे कॉमन और स्पेशल लिखा। अब कॉमन मीन्स जो कॉमन है, जो हम देख सकते हैं, जैसे बॉय, अभी मैंने बोला बहुत सारे बॉय है, तो बॉय क्या हो गया, कॉमन, वो तो बहुत सारे होते हैं। गर्ल, तो वो तो बहुत सारे होते हैं। कैट या कोई भी एनिमल बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉमन, दैट इज कॉल्ड कॉमन। सो यहाँ पे मैंने कॉमन में ये देखो थ्री पिक्चर्स है, तो उसमें से कॉमन कौन है, बॉय, तो ये बॉय है, तो बॉय तो बहुत सारे होते हैं, तो उसका स्पेशल नेम क्या है, रमेश। तो व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ अ बॉय, रमेश। उसी तरह सेकंड पिक्चर में कॉमन क्या है, गर्ल, तो गर्ल तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये गर्ल का नाम क्या है, क्या स्पेशल नेम है, गीता, क्या नाम है, स्पेशल नेम है, गीता। उसी तरह लास्ट बहुत सारे कैट्स होते हैं, बहुत सारे कैट्स होते हैं, तो उसका उसका नेम क्या है, इस पिक्चर में क्या लिखा है, किची, तो कैट का नेम क्या है, किची। सो वी हैव डिस्कस्ड कॉमन एंड स्पेशल। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दिस थ्री पिक्चर कॉमन इज बॉय, गर्ल एंड कैट, दीज ऑल आर द कॉमन नेम, एंड रमेश, गीता एंड किटी आर द स्पेशल नेम ऑफ बॉय, गर्ल एंड कैट। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द स्पेशल नेम, यस। नाउ लुक एट थ्री क्वेश्चंस आई हैव रिटन, सो फ्रॉम दैट यू कैन नो दैट के व्हिच आर कॉल्ड स्पेशल नाउन। सो हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन, राइट योर नेम, राइट योर नेम। सो इन प्लेस ऑफ दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट योर नेम, हियर आई एम राइटिंग माय नेम। सो माय नेम इज विशाखा, ओके, क्या नेम है मेरा, विशाखा जोशी, तो ये मेरा स्पेशल नेम है। आपके टीचर्स भी बहुत सारे होते हैं, मैं वुमन हूँ तो वुमन भी बहुत सारे होते हैं, सो लेकिन मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है विशाखा, तो विशाखा क्या हो गया, स्पेशल नेम। उसी तरह राइट योर टीचर्स नेम, तो आपको आपके टीचर का नेम लिखना है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अभी, आई विल राइट हियर काजल, ओके, सो हियर आई एम राइटिंग काजल मैम, ओके, सो मैम का नाम क्या हो गया, काजल, क्या हो गया, काजल, मैम का नाम क्या है, काजल, तो आपको आपके मैम का नेम यहाँ पे लिखना है। देन थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ योर स्कूल, तो अभी यहाँ पे आपको आपके स्कूल का नेम लिखना है। सो आपको अभी मैंने बताया कि राजकोट में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, सो मेनी स्कूल्स आर देयर, बट व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, इज तपस्वी, तपस्वी, यस, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तपस्वी स्कूल, सो दैट इज अ स्पेशल नेम ऑफ स्कूल। तो अभी यहाँ पे टीचर, देखो टीचर क्या हो गया, कॉमन, देन स्कूल क्या हो गया, कॉमन, बट टीचर का स्पेशल नेम क्या है, काजल, और स्कूल का स्पेशल नेम क्या है, तपस्वी, यस, सो दीज ऑल आर स्पेशल नेम। सो होप
you have understood this video. Till the next lecture. In next lecture, we will do some exercise related to this chapter. Till then, bye-bye everyone. Have a nice day. आभार।